नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यायालय में रखे इस मूर्ति के बारे में। यह मूर्ति किसकी है और इसकी आंखों पर पट्टी और इसके हाथ में तराजू क्यों होती है? अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यायालयों में हमने आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू लिए एक महिला की मूर्ति को जरूर देखा होगा, जिसे न्याय की देवी कहा जाता है। RTI के एक कार्यकर्ता दानिश खान ने सूचना अधिकार के तहत राष्ट्रपति के सूचना अधिकारी से न्याय की देवी के बारे में जानकारी मांगी। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुख्ता जानकारी होने से मना कर दिया और इसके बाद दानिश खान ने न्याय की देवी के बारे में जानकारी मांगी और जवाब में बताया गया कि इंसाफ की तराजू लिए आंखों पर काली पट्टी बांधे देवी के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। RTI के जवाब में यह भी कहा गया कि संविधान में भी न्याय की देवी के बारे में कोई भी पक्की जानकारी नहीं दर्ज है। यह बात खुद मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई है और बताया है कि इस तरह की कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। वैसे पुराण कथाओं में न्याय की देवी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। वहाँ पर यूनानी देवी डिक्की की कहानी न्याय देवी पर आधारित है और पुराणों में देवी डिक्की को हाथ में तराजू लेकर दर्शाया गया है और इसके कुछ सबूत मिस्र की पुराण कथाओं में मिलते हैं, जिनके अंदर स्वर्गदूत माइकल को भी हाथ में तराजू ले दिखाया गया है। और इस अवधारणा के चलते यह बताया गया है कि पाप से हृदय का भार बढ़ जाता है और पापी नरक में पहुंचता है। इसके विपरीत पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाता है। आंखों पर पट्टी यह दर्शाती है कि ईश्वर की तरह कानून के लिए भी सब बराबर है। तो दोस्तों, अब तो आपको इस मूर्ति के बारे में पता चल ही गया होगा और इसकी कोई भी लिखित जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।